खोल खोल पोस्ट की मासिक पत्रिका में विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 07805-266-080। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पोल कॉल पोस्ट। अगर आपके ऑफिस में भी ये नियम लागू हो जाए कि सिगरेट नहीं पीने वालों को स्मोकिंग करने वालों से ज़्यादा छुट्टियां मिलेंगी तो कैसा होगा? ऐसा होने पर शायद कुछ एम्प्लॉय स्मोकिंग करना छोड़ दें। हो सकता है आपको ये खबर पढ़कर यकीन ना हो, लेकिन एक कंपनी ने ऐसा ही किया है। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, उसने एक नए नियम के अनुसार स्मोकिंग छोड़ने वाले कर्मचारियों को स्मोक करने वालों की तुलना में ज़्यादा छुट्टियाँ देने की फैसला किया है। एक मार्केटिंग कंपनी की तरफ से यह पहला पहल कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल के प्रति प्रेरित करने के लिए की गई है। पेपला इंक नामक मार्केटिंग कंपनी ने अपने ऐसे कर्मचारियों को हर साल 6 छुट्टियां ज्यादा देने की घोषणा की गई है जो स्मोकिंग नहीं करते हैं या स्मोकिंग छोड़ने के फैसला करते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी को अपनी पॉलिसी में बदलाव करना पड़ा? दरअसल कंपनी के एक स्मोकिंग नहीं करने वाले कर्मचारी की तरफ से शिकायत की गई कि धूम्रपान करने वाले उससे ज़्यादा ब्रेक लेते हैं और इस कंपनी की प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। उसने अपनी शिकायत में आगे कहा कि ऑफिस 29वें फ्लोर पर है और स्मोकिंग रूम बेसमेंट में स्थित है। इसके बाद कंपनी ने अनुमान लगाया कि कर्मचारी रोजाना स्मोक ब्रेक में कम से कम 15 मिनट का समय लगाता है। ऐसे में पूरे साल में काफ़ी समय सिगरेट ब्रेक में ही चला जाता है। इस अनुमान के बाद कंपनी ने स्मोकिंग नहीं करने वाले या इस घोषणा के बाद स्मोकिंग छोड़ने वाले कर्मचारियों को ज़्यादा छुट्टियां देने का ऐलान किया। ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि नॉन स्मोकर्स कर्मचारियों के टाइम को मैनेज किया जा सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए और यदि आपने हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसे डाउनलोड करें और अपने सुझाव हमें निरंतर भेजते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोल कॉल पोस्ट बाय यूट्यूब और फेसबुक से तेज समाचार।